आज के आधुनिक युग में जहां शिक्षा देने के लिए स्कूल भारी भरकम फीस वसूल रहे हैं तथा शिक्षक भी अपने घरों पर बच्चों को ट्यूशन देकर रुपए वसूल रहे हैं, वहीं राज्य श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर चुके हिंदी संस्कृत अध्यापक अशोक कुमार सेवानिवृत्ति के बाद भी स्वार्थ से परे शिक्षा रूपी ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं। ऊना जिले के वंगाना गांव के कड़साई गांव के अध्यापक सेवानिवृत्ति के बाद भी सुला विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च विद्यालय उच्चर में लगभग पिछले 3 सालों से अपनी निशुल्क सेवाएं जारी रखकर मिसाल कायम की है। शास्त्री अध्यापक अशोक ठाकुर शिक्षा विभाग में करीबन 36 सालों के सेवाकाल के बाद राजकीय उच्च विद्यालय उच्चर में 31 मार्च 2015 को सेवानिवृत्त हुए थे। उच्चर स्कूल में शास्त्री व हिंदी अध्यापक का पद रिक्त होने के चलते अशोक कुमार ने इस स्कूल में अवैतनिक सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया। लगभग 3 साल के बाद भी अशोक ठाकुर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अशोक ठाकुर ने इसकी एवज में पिछले 3 सालों से स्कूल शिक्षा विभाग से एक भी रुपया वेतन नहीं लिया है। अशोक ठाकुर स्कूल के पास ही किराए के मकान में पिछले 3 सालों से रहते हुए पेंशन से अपना गुजारा कर रहे हैं, इससे वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में अवैतनिक कार्य करने के लिए अशोक ठाकुर ने बकायदा शिक्षा विभाग से अनुमति भी प्राप्त की है। निशुल्क सेवाएं देने के बावजूद भी अशोक ठाकुर ने अपनी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं बरती है। वह रोजाना समय पर स्कूल पहुंचते हैं और हर रोज हिंदी व संस्कृत विषय को बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके शिक्षण कार्य के प्रति लगन की स्कूल प्रबंधन व SMC तथा ग्राम पंचायत सराहना करती है। स्कूल के बच्चों ने कहा कि अशोक ठाकुर जैसे अध्यापक और स्कूल में भी होने चाहिए जो हमें इतने प्यार से पढ़ाते हैं, और अशोक ठाकुर अध्यापक हमें 3 सालों से निशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। नाक्षी चौधरी। तो शास्त्री सर कैसे पढ़ाते हैं और कब रिटायर होती है? शास्त्री सर हमें अच्छा पढ़ाते हैं और 3 साल रिटायर हो गए हैं। तो सरकार से कोई सैलरी देते हैं या? नहीं जी। तो आपको बिना पैसे के पढ़ाते हैं? जी। कैसा लगता है आपको इनके सर? अच्छा। अब क्या लगता है वो स्कूल में भी इनके जैसे टीचर होने चाहिए? जी। वहीं कानफट पंचायत के उप प्रधान सुरेश कुमार राणा ने बताया कि अशोक ठाकुर लगभग अपने घर से 120 किलोमीटर दूर किराए के मकान में रहकर बच्चों को निशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अशोक ठाकुर बच्चों के प्रति बहुत प्यार रखते हैं, अगर उन्हें कुछ समस्या होती है तो उनकी सहायता करते हैं। सरकार से हमारी ये मांग है कि जिस तरह से अशोक ठाकुर जैसे अध्यापक सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो उनको भी अनुमति दी जाए। जब तक कि स्कूलों में पड़े खाली अध्यापकों के पदों को नहीं भरा जाता है तब तक वह अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये जो शास्त्री जी, जो हमारे अशोक शास्त्री जी है, रिटायर्ड होने के बाद 33 साल कंटिन्यू सर्विस देने के बाद रिटायर्ड होने के बाद भी 3 साल से ये पिछले फ्री सेवा दे रहे हैं। तो इनका जो पढ़ाने का तरीका है, बच्चों के साथ मेल मिलाप का है, पूरा साफ सफाई का है, पंक्चुअलिटी का है, तो ये ओवरहाल इनका स्टैंडर्ड जो बहुत बढ़िया है। तो इसके माध्यम से हम एक फिर दोबारा पंचायत की तरफ से प्रस्ताव देंगे। हमारे इधर पहले ही 4-5 वैकेंसियां स्कूल में खाली पड़ी है, एक क्लर्क का काम भी ये संभाल लेते हैं। तो एक साल के लिए जब तक हमारे टीचर नहीं आते हैं प्रेजेंट, तो तब तक हम और चाहते हैं कि एक साल के लिए और सेवा दें। और इसके साथ गवर्नमेंट से भी हम एक विनती करते हैं कि अपने जैसे रिटायरमेंट होने के बाद कोई भी टीचर अगर वॉलंटियर सेवा देना चाहता है तो उनको घर के नजदीक स्थापित किए जाए ताकि बच्चों को फ्री अपने घर के साथ रह के सेवा दे सके, क्योंकि ये खुद यहां से लगभग 120-125 किलोमीटर दूर रह के किराए में क्वार्टर में रह के फिर सेवा दे रहे हैं बहुत दूर इधर यहां पर। तो अभी सर गवर्नमेंट से भी हम एक दरखास्त करते हैं कि ऐसे वॉलंटियरली कोई भी टीचर हो, पढ़ाने के इच्छुक होते हैं, जो सेवा करने के इच्छुक है, तो उनको घर के नजदीक स्थापित किया जाए। वहीं शास्त्री अशोक ठाकुर ने कहा कि वह 33 सालों के बाद अपनी सेवाएं देने के 31 मार्च 2015 को सेवानिवृत्त हुए थे और उनके बाद लगभग 3 साल निशुल्क अपनी सेवाएं स्कूल में दे रहे हैं तथा अपने काम में जरा भी लेट नहीं होते। वह हिंदी और संस्कृत के विषयों को पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि उनको बच्चों के साथ बहुत लगाव है जिस कारण वह बच्चों को निशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। अशोक ठाकुर ने कहा कि हमें बच्चों को अपने बच्चे समझकर पढ़ाना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी 100% करनी चाहिए। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त अध्यापकों से अपील करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त अध्यापक भी अपने घरों के पास इस तरह से अपनी निशुल्क सेवाएं दे। 82 से हूँ स्कूल में,
1982 से लेकर 31 मार्च 2015 को मैं रिटायर हुआ, 2014 को मुझे स्टेट अवार्ड मिला था। तो पहले तो मैंने कोशिश की ट्रांसफर की, 5-7 साल स्टार्टिंग में कोशिश की, जब ट्रांसफर नहीं हुई तो मैंने छोड़ दिया ट्रांसफर के बारे में। मैंने बस अपना अपने कर्म को ही, अपनी ड्यूटी को ही सर्वोपरि माना, अपना तन मन धन मैंने समर्पण की, उस समर्पण की भावना से मैंने इस विद्यालय में काम करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट की पॉलिसी हो वो ट्रांसफर करे 3 साल के बाद या 5 साल रखो उसके बाद ट्रांसफर कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं 31 मार्च 2015 को रिटायर हुआ, तो मैंने पहले सोच रखा था कि मैंने 1 साल बिना पैसों से पढ़ाना है। तो 10-15 दिन गया धर्मशाला डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से, उन्होंने परमिशन ले ली और नेक्स्ट ही 1 अप्रैल को ही मैंने भगवान के आगे प्रणाम करके, भगवान मुझे शक्ति देना, समर्थ्य देना और रुकावट मत डालना 1 साल भर। और 1 साल जी भगवान का बहुत शुक्रिया, कोटि कोटि थैंक्स भगवान का, 1 साल पूरा हो गया। अगले साल इन्होंने प्रस्ताव डाल दिया पंचायत ने, तीसरे साल भी पंचायत ने प्रस्ताव डाल दिया, तो मुझे 3 साल हो गए। और अब भी ये प्रधान जी बैठे हैं कानपुर पंचायत के, बहुत एक्टिवेट हैं स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया कि प्लस टू स्कूल हो जाए। तो इस साल भी अगर ये प्रस्ताव डालते हैं तो मैं अपनी सेवाएं फिर भगवान की कृपा से सेवाएं में अपनी जारी रखूंगा। तो सर बाकी जो टीचर रिटायर्ड होते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहता है? जो रिटायर्ड टीचर होते हैं मैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मैक्सिमम टीचर्स, मैक्सिमम एम्प्लॉयज घरों के पास है मैक्सिमम। मैं तो 120 किलोमीटर दूर रहता हूं किराए के मकान में, फिर मैं अवैतनिक सेवा दे रहा हूं। मैं अपनी पेंशन को ही सैलरी समझता हूं, पेंशन बहुत अच्छी है, वो भी सरकार का पैसा है, वो सैलरी भी सरकार का पैसा होगा। तो बाकी टीचर्स को भी अपना सहयोग, अवैतनिक सेवाएं ऐसे समाज सेवा की ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले, समाज सेवा उनको भी करनी चाहिए। श्री अशोक ठाकुर शास्त्री यहां पर स्कूल में 3 वर्षों से अपनी सेवा, फ्री सेवा दे रहे हैं। इन्हें ग्राम पंचायत कानपट और एसएनसी कानपट की तरफ से, एसएनसी जो स्कूल की एसएनसी है उसकी तरफ से इनको नियुक्त किया गया है और अपनी अवैतनिक सेवाएं स्कूल के लिए दे रहे हैं। स्कूल के लिए क्या क्या योगदान है इनका? स्कूल में एक तो सब्जेक्ट का इनका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा, परिणाम जो है वो रहा है सभी क्लासेस का, 6ठी से 10th तक इन्होंने 100% परिणाम जो है अपना दिया है और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे, अन्य जो अध्यापक हैं जो रिटायर होते हैं उसके बाद उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे अध्यापकों को सरकार जो है वो सम्मानित करे, इनको सम्मान प्रदान करे, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से यहां पर ये अवैतनिक सेवाएं दे रहे हैं।